ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है जिसमें चार रजिस्टर्स हैं, पी, क्यू, आर एंड एस। इसके एक डायगनल बी और डी पे आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर है, और दूसरे डायगनल ए और सी के बीच में आप देख सकते हैं एक बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी एक सेल लगा रखा है इसमें। अगर ब्रिज बैलेंस होगा यानी पी बाई क्यू इक्वल टू अगर आर बाई एस होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा। इसका सर्किट आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अब मैं रेजिस्टेंस पी को इंट्रोड्यूस करता हूँ 10 ओम। ये देखिए 10 ओम की मैं निकालता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 ओम है। रेजिस्टेंस क्यू को मैं लेता हूँ 20 ओम। आप देख सकते हैं ये 20 ओम की मैं निकाल देता हूँ, ये 20 ओम। दैट इज़ पी इक्वल टू 10 एंड क्यू इक्वल टू 20, दैट इज पी बाई क्यू इक्वल टू 1/2। रेजिस्टेंस आर को मैं 5 ओम लेता हूँ और रेजिस्टेंस एस जो है इसको मैं 20 ओम लेता हूँ। बैटरी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफ्लेक्शन जीरो है। तो हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं है, राइट साइड में डिफ्लेक्शन। अब आर को 5 ओम और जो रेजिस्टेंस एस है इसको मैं 10 ओम लेता हूँ। अब देखिए रेजिस्टेंस एस 10 ओम है, तब आप देखेंगे पी है वो 10 ओम, क्यू है वो 20 ओम, आर है वो 5 ओम, और जो एस है वो 10 ओम। आर 5 ओम और एस है वो 10 ओम, इसकी वैल्यू भी 1/2। अब आप देख सकते हैं इसमें कि इस सिचुएशन में अगर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो क्या प्रैक्टिकली ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी पी बाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आर बाई एस, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब जी मीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली क्या जी मीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है। तो आप देखेंगे जी मीटर का डिफ्लेक्शन अभी जीरो है, दैट इज़ पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो तो जी मीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। पर अगर मैं इनमें से किसी भी एक रेजिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ, जिसमें आर की वैल्यू मैं 7 ओम कर दूँ, तो हम देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। ये अब राइट साइड में है, आप इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं राइट साइड में। और अगर मैं इसको 2 ओम को वापस लगा देता हूँ तो आप सुई की तरफ देखेंगे, जैसे मैं 2 ओम को वापस लगा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है हमारा, जीरो। ठीक है, और अगर इसको मैं हटा दूँ तो ये डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में। इसी टाइप से किसी भी एक रेजिस्टेंस को अगर मैं एस को भी चेंज कर दूँ, एस की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ और एक रेजिस्टेंस में और इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो आप देखें डिफ्लेक्शन जो है वो राइट साइड में आ चुका है।